नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक त्यागी। ऋषभ पंत के मामले में एक नया मोड़ आया है। ऋषभ पंत के बारे में आप लोगों को पता है कि ऋषभ पंत जब जा रहे थे रुड़की, तब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। और जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में जो खबरें लगातार चल रही हैं कि एक्सीडेंट की कारण क्या थे, वो कारण का लगातार ये बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत गड्ढे से कार को बचा रहे थे, उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हुआ। ऋषभ पंत ने भी यही बात बताई थी। उसके बाद में जब अनिल कपूर और वो सब मिलने गए थे, तब उन्होंने भी यही बात बताई थी। DDCA के अधिकारी उनसे मिलने गए थे, उन्होंने भी यही बात बताई थी। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने भी यही बात बताई थी कि ऋषभ पंत ने उनसे पूछताछ में यही बात बताई है कि वो गड्ढे को बचा रहे थे और गड्ढे को बचाते हुए उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने के बाद उसके बाद में वो गाड़ी पलट गई। तो ये बातें ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद से लगातार चल रही हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद सामने आया है। दरअसल ये जो पूरा है, ये नेशनल हाईवे है, आपको पता है। और NHAI के अधिकारियों ने अब बहुत बड़ी बात कही है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि भाई, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट गड्ढे की वजह से हुआ ही नहीं है। अब अगर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट गड्ढे की वजह से नहीं हुआ है, तो फिर ये तमाम बातें कहाँ से चल रही थी। तमाम जो उत्तराखंड के CM ने भी यही बात कही थी, DDCA के अधिकारी गए थे उन्होंने भी यही बात कही थी, पत्रकारों ने भी यही बात कहने लगा था, मीडिया में यही बातें चल रही हैं। ऋषभ पंत ने खुद इस बात को कबूला था कि गड्ढे को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया, जब लोग उनसे वहाँ पर मिले थे एक्सीडेंट के वक्त। तो NHAI क्यों इस बात को छुपा रहा है? दरअसल खबर क्या है कि NHAI की किरकिरी हो रही है। जिस वक्त गड्ढे की बात चली, सड़क के खराब होने की बात चली, वहां पर कंकर पत्थर पड़े होने की बात चली, तो नेशनल हाईवे वालों की किरकिरी हो रही है, सड़क वालों की किरकिरी हो रही है, नेशनल हाईवे वाले जो होते हैं NHAI, उनकी किरकिरी हो रही है, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो खबर यह है कि पिछले एक दो दिन से, जिस दिन से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से वहां पर गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा है। वहां पर जो वो ब्लैक स्पॉट था, उसको भरने का काम चल रहा है। और उसके बाद में अब उस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है NHAI की तरफ से। जबकि वहां पर जो नारसन जो चौकी है, जो जहां पर घटना हुई थी उसके बाद पास जो चौकी है, उन चौकी इंचार्ज ने, मतलब पुलिस वालों ने भी ये बात कही थी कि यहां पर हर दूसरे तीसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है और गड्ढे की वजह से सब होता है। तमाम ग्रामीणों ने उस वक्त ये बात कही थी कि गड्ढे की वजह से लोगों की जान चली जाती है, ये गड्ढा बहुत खतरनाक है। लेकिन NHAI वाले इस बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस बात को कबूल करेंगे तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे तो वो आरोपी साबित होंगे, आरोपी साबित होंगे तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए NHAI वाले जो हैं, वो अब इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के मामले में ये एक नया मोड़ है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर लगातार अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।